तो यारो क्या हाल चाल है, मैं हूँ स्मांटेनिसन फ्रॉम यूकेटी मूवीज वर्ल्ड। तो दोस्तों बड़े दिनों के बाद आज कवर करने वाले टॉप 10 हैकिंग मूवीज, जो मूवीज इंटरेस्टिंग तो है और साथ ही साथ इन मूवीज की स्टोरीज दिमाग हिला देने वाली है, क्योंकि इन मूवीज में बहुत सारे सस्पेंस और बहुत सारे ट्विस्ट भी है। तो दोस्तों ये सारी मूवीज रेंडमली ऑर्डर है और साथ ही कुछ साउथ इंडियन मूवीज को इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। नंबर 1, द सोशल नेटवर्क। मूवी 2010 में रिलीज हुई और फिल्म में हमें कहानी और जर्नी दिखाई गई है मार्क जकरबर्ग की, कि उन्हें फेसबुक बनाने में कितना ज्यादा वक्त लगा, साथ ही साथ किन किन लोगों ने उनकी हेल्प की और फेसबुक को किस तरह बनाया गया, ये सब आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। तो दोस्तों मूवी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको और साथ ही साथ मूवी को देखकर कंप्यूटर की फील्ड और ज्यादा एक्सप्लोर करने का मन करेगा आपको। नंबर 2, हैकर 2016। मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है एलेक्स। एलेक्स बहुत ज्यादा गरीब होता है मगर बचपन ही से वो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन वो डार्क वेब में जाता है। डार्क वेब एक ऐसा शैतानी इंटरनेट है जहाँ लोग सारे इलीगल काम करते हैं। दिन वो एक हैकर की मदद से बहुत सारे पैसे कमा लेता है, जिसकी वजह से उसे लत लग जाती है, नशा चढ़ जाता है डार्क वेब को यूज करने का, जिसकी वजह से वो डार्क वेब को यूज करके बहुत बड़ा हैकर बन जाता है और बहुत सारी चोरियां भी करता है। अब क्या एलेक्स डार्क वेब के दलदल से निकल पाएगा, यानी इस मूवी में देखने मिलेगा। मूवी अच्छी है, एक दफा जरूर देखी जा सकती है। नंबर 3, अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ये 2018 में रिलीज हुई थी। गाइस ये एक हैकिंग मूवी तो है और साथ ही साथ आपको हॉरर और थ्रिल फ्लेवर भी देगी। स्टोरी एक फ्रेंड्स ग्रुप की, जिनको डार्क वेब से लिंक एक लैपटॉप मिलता है और जब उस लैपटॉप ओनर को पता चलता है कि उसका लैपटॉप है किसके पास, तो लैपटॉप ओनर एक एक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। क्या वो लोग अपने आप को उस हैकर से बचा पाएंगे या नहीं, जानने के लिए आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, हु एम आई। कहानी है बेंजामिन की। बेंजामिन हैकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है और उसका एक शानदार सा हैकिंग ग्रुप भी है, मगर एक दिन वो बेहोशी की हालत में उठता है और देखता है कि उसके ग्रुप मेंबर्स मरे पड़े हैं और एजेंसी वाले उसको ले जाते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोस्तों ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, ज्यादा डिटेल दे दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा, तो आपको उस ट्विस्ट को देखने के लिए इस मूवी को एक दफा जरूर देखना चाहिए। नंबर 5, डाई हार्ट 4.0। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है मगर इस मूवी में हैकिंग की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। स्टोरी में हमें ऑफिसर जॉन मैकलेन को दिखाया जाता है जो अपनी कंट्री को टेररिस्ट ग्रुप से बचाना चाहता है, मगर साथ ही साथ उसकी बेटी भी उस टेररिस्ट ग्रुप के पास होती है, जिसकी वजह से वो एक हैकर की हेल्प लेता है ताकि हैकर की मदद से वो टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ सके। मूवी का एक्शन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है उस दौर के हिसाब से। वैसे मूवी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2006 की है, मगर मूवी बहुत ज्यादा कड़क है, आपको एक दफा जरूर देखना चाहिए इस मूवी को। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। नंबर 6, चक्रा। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी 15 अगस्त यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से शुरू होती है। कहानी में एक हैकर ग्रुप 50 घरों में एक साथ रोबरी करता है, जिसकी वजह से हर तरफ केओस फैल जाता है और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी हिल जाता है, जिस वजह से विशाल का कैरेक्टर जो एक ऑफिसर है उसे बॉर्डर से बुलाया जाता है। अब क्या इस मूवी का हीरो इन सारे हैकर्स को रोक पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि आपको यूट्यूब पर ही देखने मिल जाएगी। नंबर 7, रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। इस मूवी में भी विशाल हमें देखने मिलते हैं, ज्यादातर वो ऐसे ही कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। मूवी का लीड हीरो यानी विशाल एक मिलिट्री मैन है जो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोन लेता है। लोन लेने के बाद एक हैकर सारे पैसे अकाउंट से निकाल लेता है, वो भी काफी नाइसली वे में। उस हैकर ने सिर्फ इनके पैसे नहीं काफी सारे लोगों के पैसे लिए हुए होते हैं। अब क्या अभिमन्यु उसे रोक पाएगा या नहीं, ये आपको इस मूवी में देखने मिलेगा और ये मूवी भी आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएगी। नंबर 8, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये मूवी 2011 में आई जो कि 2005 की साइकोलॉजिकल नॉवेल पर बेस्ड है। मूवी की स्टोरी में हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी एक गलती की वजह से वो अपना सब कुछ खो देता है, मगर उसको एक उम्मीद मिलती है जब उसको एक केस मिलता है 40 साल पुराना, और इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एक लड़की की हेल्प लेता है जो कि एक हैकर है। उस हैकर के बॉडी में बहुत सारे टैटू होते हैं, जैसा कि इस मूवी का नाम है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। तो इस मूवी में क्या मिस्ट्री और ट्विस्ट है, ये आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। मूवी को डायरेक्ट किया है फेमस डायरेक्टर डेविड फिंचर ने। तो दोस्तों एंड में बात करूंगा दो ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी की जो कि एक्शन थ्रिलर स्पाई होने के साथ साथ हैकिंग का इन्वॉल्वमेंट भी इन दोनों फिल्म फ्रेंचाइजी में बहुत है। नंबर 9 पर है मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज अपने खतरनाक एक्शन, स्पाई और गैजेट्स प्लस हैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, बहुत ज्यादा फेमस तो है ही और आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। नंबर 10, जेम्स बॉन्ड। अपनी स्पाइनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और साथ ही साथ अपने खतरनाक एक्शन के लिए भी, मगर इस फिल्म सीरीज में हैकिंग का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इस मूवी में एक कैरेक्टर है क्यू जो अपने हैकिंग स्किल्स की वजह से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म सीरीज भी नहीं देखी है तो आपको ये अमेजोन प्राइम पर देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आज का हमारा जबरदस्त वीडियो जिसमें हमने कवर किया टॉप 10 हैकिंग मूवीज को। तो दोस्तों इन फ्यूचर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।